अस्सलाम वालेकुम जी, स्वागत जो ये आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं मौजूद हूँ कराची लियाकताबाद। यहाँ पे डब्बे बनते हैं लोहे के डब्बे, जिसमें पेंट और काफ़ी सारी किस्म की चीज़ें जो है वो डाल के बेचे जाते हैं। आज हम देखते हैं डब्बा कैसे तैयार होता है और कहाँ से मिल सकते हैं। ये वो डब्बे हैं जी, यानी ग्लू होती है कोई भी, या कोई भी किसी किस्म की, और कोई लोशन है, सोलोशन है किसी भी किस्म की, या कोई पेंट है, ठीक है जी, कोई भी और चीज़ इस तरह की जो डब्बे के अंदर पैक हो सकती है, वो सारी यानी यहाँ पे बनते हैं डब्बे उनके। मेरे साथ इस टाइम पे मौजूद हैं इरफान भाई, इनसे हम बाकी मुकम्मल मालूमात लेंगे कि किस तरीके से ये डब्बे बनाए जाते हैं। सबसे पहले तो हम इनका तारुफ जानेंगे। इरफान भाई, अपना तारुफ करवाइएगा प्लीज़। जी, मेरा नाम है जी शेख मोहम्मद इरफान, और हमारी कंपनी का नाम है मास कैन कंपनी, और हम लोग यहाँ पर लोगों को सर्विस देते हैं। मुख्तलिफ़ ब्रांड के टीन के डब्बे जो हैं कैन, वो हम लोग तैयार करते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ़ साइज़ के और मुख्तलिफ़ शेप्स के डब्बे तैयार होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे साथ कुछ लीडिंग ब्रांड जुड़े हुए हैं जो इनको हम सर्विस दे रहे हैं मुसलसल कई सालों से। और बाकी ये है कि हर डब्बे का एक अपना प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के मुताबिक एक मेहनत लगती है, और ये मुख्तलिफ 17-18 प्रोसेस से जाके एक डब्बा कंप्लीट होता है। कौन कौन से डब्बे आप बनाते हैं या बना चुके हैं अभी, किन किन चीज़ों के? हम लोग बेसिकली टीन से मुतालिक, जिस पे मैग्नेट चिपक जाए वो टीन का डब्बा है, जिस पे मैग्नेट ना चिपके वो अल्यूमिनियम बेस की होता है, जिसमें फैंसी कैन वगैरह और कोक कैन भी आते हैं डब्बे, वो बेसिकली हमारे पास नहीं बनते। हमारे पास जो है तमाम डब्बे रंग के, घी के, कनस्तर और हर साइज़ का डब्बा हमारे पास बनता है। ये हमारे पास कुछ मिठाइयों के डब्बे हैं जो हम सोना हलवा वगैरह, ये मुख्तलिफ साइज़ हैं जो हमारे पास तैयार करते हैं, और हम लोगों को उनकी ऑर्डर के मुताबिक जो है तैयार करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये है कि ये यानी किसी भी चीज़ का अगर जो डब्बा बनवाना है, जो घी में इस्तेमाल होते हों, किसी स्वीट्स में, टॉफ़ी बिस्किट्स वगैरह में इस्तेमाल होते हों, या कोई ऐसी प्रोडक्ट जैसे रंग के डब्बे हैं और ऑयल पेंट और ये सॉल्यूशंस के ब्रांड हैं हमारे पास, और इसी तरह ये हमारे हाईटोन वगैरह, ये सारी जो प्रोडक्ट हैं जो यूज होती हैं, यानी कि टीन से मुतालिक कोई भी साइज़ का डब्बा हमारे पास तैयार किया जा सकता है। ठीक है जी, आप अपना सैंपल लेकर आएँ, ठीक है जी, उस सैंपल के मुताबिक हम आपको गाइड करेंगे कि इसके तैयार करने में क्या क्या है सूरत हाल आपको लेनी पड़ेगी, कौन कौन से मतलब इसमें लवाजमात आपको लेने पड़ेंगे। क्योंकि अगर हमारे पास मोल्ड्स मौजूद हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसका मोल्ड, तो मोल्ड की कॉस्ट अच्छी खासी आती है, तो हमारा मकसद ये है कि पहले आप अपना सैंपल लाएँ, और अगर वो सैंपल हमारे इन ब्रांड से मैच करेगा तो हम आपको आसानी से तैयार कर देंगे। और अगर कोई ऐसा शेप या ऐसा साइज़ आप लेके आते हैं जिसकी डाई हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हमारे पास ये सहूलत भी मौजूद है कि हम उसकी डाई तैयार करके और उसके ऊपर आपको डब्बा तैयार करके दे सकते हैं। ज़बरदस्त। इरफान भाई, विज़िट करना चाहेंगे कि ये डब्बा आप किस तरीके से तैयार करते हैं, फैक्ट्री थोड़ी सी आपको विज़िट करना चाहेंगे, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा अगर हो सके तो हमें विज़िट करवाइएगा किस तरह से बनते हैं। इम्पोर्टेड, आप पहले बताएं। ये उम्र एक का प्रोसीजर जो है उसको स्टार्ट इस तरह किया जाता है कि सबसे पहले तो हम टिन प्लेट हासिल करते हैं। टिन प्लेट जो है वो प्रोडक्ट के हिसाब से परचेज किया जाता है, उसमें जैसे घी के लिए अगर आप टिन ले रहे हैं तो मुख्तलिफ एमएम्स का होता है, उसका साइज़ अलग होता है, उसकी मोटाई अलग होती है। इसी तरह हर ब्रांड के लिए हम सबसे पहले टिन प्लेट का सिलेक्शन करते हैं, तो हमको सबसे पहले अपने स्टॉक पे टिन प्लेट को रखना पड़ता है एज़ पर पार्टी डिमांड। उसके बाद हमारा जो है सेकंड मरहला आता है उस टिन के ऊपर प्रिंटिंग करने का। तो अगर आपका कोई ऐसा डब्बा है जिस पे प्रिंटिंग की ज़रूरत ना हो, यानी कि जैसे आपने देखा कि कुछ प्लेन डिज़ाइन के डब्बे हैं, प्लेन हैं, सादे डब्बे हैं, तो उसको उसके अंदर इसकी प्रिंटिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अपने ब्रांड का कोई डब्बा बनवाएं और अपना प्रोडक्ट का लेबल दें,
तो उसकी सबसे पहले डिज़ाइनिंग की जाती है। डिज़ाइनिंग करने के बाद जैसे प्रिंटिंग का एक अपना पूरा मरहला होता है, जैसे जो लोग जानते हैं पेपर प्रिंटिंग, तो हमारे पास 10 प्रिंटिंग मशीन मौजूद है। ये बाहर के इम्पोर्टेड मशीन है, ठीक है जी। यहाँ पे प्रिंटिंग होती है, प्रिंटिंग होने के बाद ये शीट का देना मैंने प्रिंटिंग हो जाती है। मशीन चल नहीं रही और जब चले चलती होगी तो इंशाल्लाह फिर कभी विजिट करके। ये सबसे पहले जी ये सादी शीट होती है जिसको हम प्रिंट करते हैं, तो उसके बाद ये इस तरीके से शक्ल ले लेती है। उसका प्रोसीजर ये होता है कि इसके अंदर तकरीबन 7 से 8 कलर इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले हम ये हमारी डाई कहलाती है, इसके ऊपर हम डिज़ाइन को ट्रांसफ़र करते हैं। ये प्लेट कहलाती है प्रिंटिंग मशीन में। इस डाई को हम लगाते हैं जो डिज़ाइन हमने छापना हो, और फिर इसके अंदर मुख्तलिफ कलर्स जो हैं वो चलाए जाते हैं। बुनियाद के ऊपर सबसे पहले सफ़ेद कलर चलाया जाता है, उसके बाद हम जो है इसके अंदर ब्लू चलाते हैं, फिर रेड चलाते हैं, येलो चलाते हैं, ब्लैक चलाते हैं। इससे ये इसका डिज़ाइन पूरी अपनी शक्ल ले लेता है। और इसके बाद सबसे ऊपर हम इसको चलाते हैं जी, सबसे ऊपर हम इसके ऊपर चलाते हैं वार्निश, जो इसके कलर को महफूज करती है देर तक। क्योंकि जब हमारा प्रोडक्ट तैयार होता है तो हमारा ख्वाहिश होती है कि वो मार्केट में चमके, तो चमक के लिए जो है हम मुख्तलिफ इस पर वार्निश के ब्रांड्स हैं जी। जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे एक सीमेंटेक सॉल्यूशन का ब्रांड है, इस कंपनी को हम ये माल बना के देते हैं। तो उनकी डिमांड के मुताबिक कुछ लोग मैट फिनिशिंग लाइक करते हैं, कुछ ग्लॉस लाइक करते हैं, तो हमारा इसके अंदर ग्लॉसिंग जो है ना बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी। ये हमारा शाइनिंग बिल्कुल ये होता है। इस प्रोसीजर से गुजरने के बाद ये शीट प्रिंट होती है और इस ओवन में जाती है। इस ओवन में ये विकेट्स लगी हुई हैं, ये यहाँ पर इस तरीके से प्लेस होती है, ये यहाँ से जाते जाते और इस तरीके से इसके अंदर चली जाती। इस ओवन के अंदर टेम्परेचर होता है ज़रूरत के हिसाब से, वो इस कलर को पक्का करता है, जिसको हम कहते हैं ये भट्टी पेंट हो गया, ये भट्टी के अंदर पक जाता है कलर, ठीक है जी। और इसके बाद ये स्क्रैचलेस हो जाता है, जिसको आप स्क्रैच करेंगे तो ये स्क्रैच नहीं होगा, ठीक है जी। ये इसकी क्वालिटी है। और स्क्रीन प्रिंट के अंदर, क्योंकि नॉर्मली लोग कंफ्यूज होते हैं कि स्क्रीन प्रिंटिंग और इसके अंदर, उस पर भी वार्निश होती है लेकिन उसका कच्चा कलर होता है, पक्का नहीं होता। तो टिन प्रिंटिंग जो के मशीन के ज़रिए हुई हो, उसका सबसे पहला जो एडवांटेज होता है कि उसका कलर पक्का होता है, स्क्रैच में उतरता नहीं है, और इसको कॉपी करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि जो भी इसको ब्रांड को बनवाएगा, प्रिंट करवाएगा, तो वो लाजमी तौर पे इसके ऊपर पहले ये सारे मरहले से गुजरने के बाद प्रिंटिंग पे आएगा। तो इसके ऊपर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होती है। इसके सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये होता है कि इसकी कॉपी नहीं बनती आम। तो जो स्क्रीन प्रिंटिंग दोस्त करवाते हैं, उनके ब्रांड्स के अंदर ये मजबूरी होती है कि उनको कोई भी कॉपी कर लेता है और उसकी कोई मतलब के आप कह सकते हैं कि ट्रेसिंग नहीं होती कि कहाँ पे वो बन रहा है। हमारी जो इस तरह के प्लांट लगे हुए हैं पूरे पाकिस्तान में, वो लिमिटेड है। तो अगर किसी का दोस्त किसी भी कंपनी से काम करवाएगा तो ज़ाहिर बात है कि वो देखा जा सकता है कि ये माल जो है कहाँ छपा है। ये किसी कोने में नहीं कर सकते आप, इसके लिए आपको पूरी फैक्ट्री रिक्वायर्ड है। इससे अगला प्रोसेस क्या है? ठीक है, इससे अगला प्रोसेस ये है कि ये प्रिंटिंग मशीन में जाता है, इसमें भट्टी में जाता है और इस तरीके से ये ओवन में आता है पूरा, और इसके बाद जब ये बेक हो जाता है तो यहाँ से इसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है जी। निकालने के बाद ये माल जो है सारा का सारा पूरा बंडल इस पर अनलोड होता है, और अनलोड होने के बाद इसको फिर हम कटिंग डिपार्टमेंट लेके जाते हैं, ठीक है। ये पूरा बंडल इसी तरह प्रिंट हो गया, और प्रिंट होने के बाद ये जाहिर बात है कि जी कि अब तैयार है कटिंग के लिए। तो ये हमारी कटिंग हुई भी है, ठीक है जी। ये कटिंग इस तरह होती है कि जी कि ये हमारी मशीन है जिसको हम कटिंग मशीन कहते हैं। ये शीट यहाँ से जाती है, मुख्तलिफ साइज़ के हिसाब से यहाँ से आगे से निकलती है, ठीक है। इस तरीके से शीट आगे ट्रांसफ़र हो जाती है।
कटाई होके कटाई हो, ये साबुत सील होती है जो कि यहाँ पे ब्लेड्स की मदद से काट ली जाए। काटा डब्बा बनने का ये सबसे पहला मरल है, ठीक है। जब ये कटिंग शीट हो गई, इस कटिंग शीट को हम लेके जाते हैं ये हमारे पास यहाँ पर वो। अच्छा जी, ये कटिंग के बाद ये माल जो है वो इस मशीन से गुजारा जाता है। इस मशीन से गुजारने से ये माल जो है ये हल्का सा हाफ राउंड हो जाता है, ठीक है जी। हाफ राउंड इसको इसलिए किया जाता है कि ताकि जब हमने इसकी वेल्डिंग करनी है तो ये वेल्डिंग में आसान हो जाता है। ये हमारी वेल्डिंग मशीन चलाती है, सील वेल्डिंग मशीन हम इसको कहते हैं, और इसके अंदर ये पूरी बॉडी को लगा कर वेल्ड किया जाता है, जिससे ये वेल्डिंग होने के बाद ये वो डब्बा है तो इसकी ये वेल्डिंग कहलाती है। यानी कि हम अगर इसको आप समझ सकें कि ये जो ब्लैक कलर हो रहा है ये वेल्डिंग की वेल्डिंग हो गई, ठीक है जी। जला जाता है, इसका रिंग भी लगाया जाता है, ठीक है जी। अब आपको हम प्रेस रूम में लेके चलते हैं जहाँ पे आपको इसके जो इस तरीके से जो है ये दिखाइए, ये इस तरीके से जब बॉडी जुड़ जाती है तो इस तरह ये वेल्डिंग हो जाती है जी, ठीक है। वेल्डिंग होने के बाद अब इसका बॉटम, और हमने टॉप बॉटम का एरिया है जहाँ पर अगर किसी डाई में कोई डिफेक्ट पैदा हो जाता है तो हम यहाँ पे उसको दुरुस्त करते हैं और दोबारा प्रेस रूम में लेके जाते हैं। ये हमारा वर्कशॉप एरिया है। और वेल्डिंग करने के बाद ये चीज से बॉटम कट के ये इसके नीचे तो इस तरीके से ये इसकी जो मुड़ाई है वो हमारे ऊपर बॉटम हमने काटा है इस डब्बे का, ठीक है जी। पहले कट चुका है, मुझे आता है कारों को मोटी है। एक एक होता जाता है, लेकिन आराम हो गया, कम तैयार हो गया। हमारे पास छोटे बड़े अलग अलग मशीन है जो हर साइज के ढकने के लिए अलग अलग होती है, जो कि इसका किनारा मोटी और सबसे पहले ये वेल्डिंग हुआ। ये हमारे पास एक और मशीन है जो हमारी लाइन पे लगी हुई है, ये बड़े डब्बों को करती है और नीचे जो है वेल्डिंग जो है वो हम छोटे डब्बों को कराते हैं। अच्छा जी, अब आपको मैंने बताया जी ये प्रेस रूम में हमारा ये रिंग कहलाता है, ये बॉटम कहलाता है जो कि डब्बे के नीचे लगता है, ठीक है जी। यहाँ से ये डब्बा चलता है, यहाँ पर इसको इसकी ये मशीन जो है किनारा मोड़ती है, किनारा मोड़े वाली उधर उठाना डब्बी, ये किनारा जो मोड़ा जाता है उसके लिए ये वाली मशीन इस्तेमाल होती है, ठीक है जी, जिसको हम पंच मशीन कहते हैं। इस पंच मशीन की मदद से दिखाओ ये, ठीक है जी, इसके ऊपर का और नीचे का दोनों हिस्सों का किनारा मुड़ जाता है। मुड़ने के बाद हम आगे ये किनारा मोड़ के ये चीज़ बॉटम इसके लग गया, ठीक है। अब ये उसका किनारा क्लोज कर दिया गया और ये हमारा इस हालत में इस मशीन पर लगता है, ये मशीन घूमती है और ये ऑटोमेटिकली इसको क्लोज करती है, और उसके बाद डब्बी जो है वो इस शक्ल में कंप्लीट हो जाती है। डब्बा कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। यहाँ पे इसको हम इसके ऊपर ढक्कन आ जाता है, जो ढक्कन जो है वो नीचे तैयार होता है तो वहाँ से डिलीवर हो जाता है और यहाँ से ये डब्बी तैयार होती है, की ठीक है। ये चकोर डब्बा है। अब चकोर डब्बे में भी बॉटम लग रहा है, टॉप लग रहा है, लेकिन इस टॉप में फ़र्क ये है, यहाँ पर आप थोड़ा सा ये समझें कि ये रिंग लगा गोल डब्बे में, क्वार्टर देखो, तो ये फ़र्क है गोल्ड डब्बे का और गैलन का। अच्छा, ये चीज़ें जाहिर बात है कि जैसे आपका डब्बे, ये भी हमारा गोल्ड डब्बा ही कहलाता है, ठीक है जी। आप अगर ये देखें कि इसका प्रोसीजर में बॉटम लगा जैसे इस पे लगा, इसके बाद इस पे रिंग लगा जैसे इस पे लगा, डब्बा है जिसका बॉटम लग गया, रिंग लग गया। ये आप बता दें ताकि जो लोग इस तरह के डब्बे बनवाना चाहे, यानी जिस तरह से आपने ये माल तैयार करके रखा हुआ है, अगर कोई बनवाना चाहे तो वो किस तरीके से आपके साथ रابطہ कर सकता है। एड्रेस पूरा अच्छे तरीके से समझा दें और अपना फ़ोन नंबर पहले बोल दीजिए जी। मेरा फ़ोन नंबर है
333-211-4567 0333-211-4567